आज वेल्क शार्क डे निमित्ते वेरावल खाते वन विभाग अने कोस्टगार्ड तेमज फिशरीज विभाग तेमज वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट इंडिया तेमज माछीमारों सहित द्वारा भव्य उजवणी कराई थी। तो माछीमारों ने वेल्क शार्क बचावता नुकसानी वर्तर बमणू करायुं हतुं। साथे हवे अमेरिका थी नवी टेग में मंगावाय छे जे वेल्क शार्क ने लगावी अने ए माछलीनी दिनचर्चानो विषय अभ्यासक्रम करवानो प्रारंभ कराशे। 2007 पहेला दरियामां बुद्धिजीवी गणाती वेल्क शार्क माछलीनो शिकार करातो हतो। एक माछली पकड़ाता ज माछीमार लाखोपति बनी जतो हतो, परंतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, वन विभाग, फिशरीज विभाग अने कथाकार मोरारी बापूनी अपील बाद माछीमारों द्वारा वेल शार्क बचाव अभियान शुरू करायुं छे अने त्यारबाद माछीमारों ने वेल शार्क माछली बचावानुं शुरू कर्युं छे। हाल सुधीमां मोटी मात्रामां वेल शार्क माछली जाळमां आवी गया बाद पण तेने मुक्त करी देवाई अने बचाववामां आवे छे। वेल शार्क माछली बचाववामां माछीमारोनी मोटी मात्रामां नुकसान थतुं होय छे, जेमां जाळ कापवी पड़े छे, बोटने नुकसान थाय छे, पोतानी अन्य पकड़ायेली माछलीओने पण छोड़वी पड़े छे। त्यारे मोटा नुकसान सामे सरकार द्वारा मात्र 25,000 रुपया वर्तर चूकवामां आवतुं होय। आ बाबते माछीमारोए रजूआतो करी अने सरकारे तेनी बमणी राहत एटले के एक वेल शार्क माछली ने बचावा तो माछीमारों ने नुकसान वर्तर पेटे हवे थी ₹50,000 चुकवानो निर्णय कर्यो छे, जे निर्णयनो माछीमारोए स्वागत कर्यु छे। जे केस न्यूज ગુજરાતી સાથે મહેશ વાજા સોમનાથ। વેલ શાર્ક બચાવવાની જે કામગીરી ગુજરાતના વન વિભાગ દ્વારા જે ચાલી રહી છે એ અંતર્ગત અમે જ્યારે માછીમારો દરિયામાં ફિશિંગ કરવા જઈએ ત્યારે અચાનક જ આ વેલ શાર્ક જ્યારે ફસાય ત્યારે જાળનું બહુ મોટું નુકસાન થતું હતું અને એમાં જે માછલા આવેલા હોય એ બે બધા છોડી દેવા પડતા, એ જાળે તૂટીને જતી રહેતી અને વર્ષોથી એક 25,000 જેટલી મેક્સિમમ મતલબમાં વધુમાં વધુ વળતરની 25,000ની મર્યાદા નક્કી કરેલી હતી। ઘણા લાંબા સમયથી અમે લોકો માછીમાર સમાજના બધા આગેવાનો જ્યારે જ્યારે વન વિભાગના અધિકારીશ્રીને મળીએ, અમે છેલ્લી મિટિંગ કરી હતી કે રમેશ, ડૉક્ટર કે રમેશ સાહેબ સાથે, અને એને બી અમે રજૂઆત કરેલી હતી અને સાહેબે એને તાત્કાલિક ધોરણે રાજ્ય સરકારમાં આ વળતર જે છે એ માછીમારોને અત્યારની મોંઘવારી પ્રમાણે જે જાળોના એને નુકસાન થાય છે તો એને વધુ વળતર મળે એના માટે રાજ્ય સરકારમાં એ દરખાસ્ત મોકલી હતી। અમે બી ગાંધીનગર વન વિભાગના આપણા મંત્રીશ્રીને બી મળ્યા હતા અને હમણાં જ અમને લોકોને થોડા સમય પહેલા ખબર પડી છે કે અમને જે વળતર મળતું હતું એ અમારી માંગણી મુજબ એ ડબલ કરી દેવામાં આવ્યું છે, 25,000ની જગ્યાએ 50,000 કરી આપ્યા છે। હા, અત્યારે જે સૌરાષ્ટ્રના દરિયામાં જે વેલ શાર્ક જોવા મળતી હતી, ખાસ કરીને એવી સુત્રાપાડાથી લઈને માંગરોળ સુધી અને વેરાવળના બાજુમાં વેલ શાર્કનો એક સમય હોય છે, એક સિઝનમાં, ખાસ કરીને ગરમીની સિઝનમાં અને ડૂબ હોય એ ટાઈમે વધુ જોવા મળે। એની મોટાભાગની આ જે માછલી છે ને એ બહુ લાંબો રન છે ને લાંબા જગ્યાઓ પર ફરતી હોય છે, એટલે અમુક વર્ષે એ ઓછી જોવા મળે છે અને અમુક વર્ષે એ વધુ જોવા મળે છે, અને ખાસ કરીને ગરમીના સમયમાં આપણા દરિયામાં, સૌરાષ્ટ્રના દરિયામાં વધુ જોવા મળે છે। દેખે વેલ શાર્ક જો હૈ જિસકો હમ સાયન્ટિફિકલી રિંકોડોન ટાઇપસ બોલતે હૈ, વો એક મોનોટિપિકલ સ્પીસીસ હૈ। ઉસકા મતલબ યે હૈ કે ઉસકા જૈસા ઓર કોઈ ભી સ્પીસીસ દુનિયા મે અભી અસ્તિત્વ મે નહીં હૈ। ઓર ખાસ બાત યે હૈ કે વેલ શાર્ક જો હૈ દુનિયા કી સબસે બડી મછલી હૈ ઓર वन्य प्राणी संरक्षण धारा में या शेड्यूल वन में आता है, यानी कि लायन या टाइगर को जो लेवल का प्रोटेक्शन मिलता है वेल शार्क को भी भारत के कायदा में वही लेवल का प्रोटेक्शन मिलता है। और उस दरियाई मछली को बचाने के लिए वन विभाग का साथ सहकार जो है काफी सारे लोगों ने जो दिया है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया है जो हमारा टेक्निकल पार्टनर है, टाटा केमिकल्स लिमिटेड है, फिशरीज डिपार्टमेंट है, इंडियन कोस्ट गार्ड है, फिर अपना फिशरीज सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो फिशरीज के साथ जुड़े हुए जो कम्युनिटी है यानी कि द फिशरमैन कम्युनिटी, तो ये सब लोग मिलके वेल शार्क को बचाए हैं। एंड परम पूज्य मुरारी बापू जी ने भी इसको बचाने का जो संदेश दिया है, तो आप देखेंगे कि एक धर्मगुरु से लेके कॉर्पोरेट सेक्टर से लेके एनजीओ से लेके एनफोर्समेंट एजेंसी से लेके हर कोई एकजुट होके किसी स्पीसीज को बचाने का जो प्रयास किया है, तो वेल शार्क एक उत्तम उदाहरण है। और इसी प्रयासों के लिए 2013 में यूनाइटेड नेशंस इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड भी इस इनिशिएटिव को मिला है। तो अपने गुजरात सरकार ने कार्तिक अमावस को जाहिर किया है कि हम वेल शार्क दिन की उज्जवनी करेंगे, तो उसी के भाग रूप जो है हम यहाँ पर वेरावल में सब इकट्ठा हुए हैं और इस दिन की उज्जवनी कर रहे हैं।
कि भूतकाल में जो कंजर्वेशन किया है आज हमारी क्या परिस्थिति है और आगे हम क्या करना चाहेंगे। व्हेल शार्क का जो भूतकाल का टैगिंग प्रोग्राम है वो 7-8 साल पहले का है और उस टाइम में जो टैग डिप्लॉय किया उस टाइम का जो भी बेस्ट टेक्नोलॉजी था तो फ्लोटिंग टैग्स डिप्लॉय किए गए थे और टैग से यही इंफॉर्मेशन मिला है कि ये जो अरब सागर में व्हेल शार्क का ज्यादातर मूवमेंट रहता है कुछ की तरफ जाते हैं, कुछ मडागास्कर की तरफ जाते हैं एंड उसके बियॉन्ड भी शायद जाते होंगे, लेकिन टैग की अपने टेक्निकल लिमिटेशंस होती है कि एक कुछ दिनों के बाद जो बैटरी डाउन हो जाता है या एक दरिया में डेप्थ जाने के बाद जो है सिग्नल नहीं मिलता है। तो जितना हमें अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो ये है कि वो अफ्रीका से आगे जरूर जाती है। अभी भारत सरकार ने हमें परवानगी दी है कि फिर से टैग लगाने का, सैटेलाइट टैग, और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के थ्रू हम ये काम कर रहे हैं। यूएस से टैग्स इंपोर्ट किया गया है और अभी जो सीजन आ रहा है, अभी जो सीजन शुरू हुआ है व्हेल शार्क का, इसमें हम फिर से टैगिंग का अटेम्प्ट कर रहे हैं सो दैट जो लेटेस्ट अभी जो टैग्स अवेलेबल है टेक्नोलॉजिकली उसको डिप्लॉय करके हम इसमें और ज्यादा लंबा बैटरी लाइफ रहता है, सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छी रहती है, सॉफ्टवेयर भी थोड़ा सा अपडेटेड है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि व्हेल शार्क कौन से भाग दरिया का यूज कर रहा है, कौन सा सीजन का वेरिएशन रहता है, उसका वर्टिकल मूवमेंट सरफेस या डेप्थ का भी कैसा रहेगा। तो ये डेटा हमें मिलेगा तो उसको साइंटिफिकली मैनेज करने के लिए हमें ज्यादा इनपुट्स प्राप्त होंगे। ये बात सही है कि हम जब फिशरमैन कम्युनिटी के साथ बैठक करते थे तो बार बार यही आता था कि महंगाई बढ़ रही है और व्हेल शार्क का जो वल्टर है वो मैक्सिमम 25,000 रुपए का था, तो इसमें कुछ सुधारा की जाए। तो हमने एक फाइल चलाया और सरकार में ये रजवात पहुंचाई ऑफिशियल चैनल के थ्रू में और सरकार श्री ने बहुत ही पॉजिटिव अभिगम रखते हुए 25,000 को सीधा डबल करके 50,000 रुपए तक का वल्टर देने का जो जीआर है वो सुधारा करके इश्यू किया है और ऑलरेडी वो अमल में है।